मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का काफी समय से खराब फॉर्म जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 के 9वें मैच में भी मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा फ्लॉप साबित हुए। आपको बता दें, दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ खेले जा रहे मैच में रोहित शर्मा मात्र 18 रनों का ही योगदान दे सके। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इस सीजन में उनके तीनों मैच में खराब स्कोर किया। अपने पहले मैच में रोहित ने महज 15 तो वही दूसरे मैच में 11 और आज मात्र 18 रन ही बना सके। मुंबई इंडियंस इस सीजन में अपने पिछले दोनों मैच हार चुकी है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उनके कप्तान खराब फॉर्म के दौर से गुजर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसा ही जारी रहा तो ये उनके और खासतौर पर पूरी टीम के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है।